हेलो फ्रेंड्स, आपका दोबारा बहुत बहुत स्वागत है हमारे चरम विश्व नौकरी में। फ्रेंड्स, आपको पता ही है कि राजस्थान के दोस्तों ज्योग्राफिक सीरीज हमारी चल रही है और हम आपके लिए दोस्तों जो है राजस्थान के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो आपके लिए हम टॉपिक वाइज सीरियल वाइज आपके लिए ला रहे हैं। दोस्तों, मेरे 8 पार्ट मेरे आ चुके थे, जिसमें 8वां पार्ट मेरा टूरिज्म का था, जिसमें हमने उसमें काफ़ी सब पार्ट्स आपको कंप्लीट कराए हैं। और दोस्तों, जो भी ज्योग्राफी की सीरीज़ जो मेरी आ रही है, ये बहुत अच्छी सीरीज़ है। मान के चलिए कि सारा ज्योग्राफी आपका इसमें कवर हो जाएगा अगर आप इस पर पूरा जो है अच्छी तरीके से इसको पढ़ते हैं। फ्रेंड्स, और बता दो कि जो राजस्थान की जो ज्योग्राफी की सीरीज़ है, ये सभी एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। तो आपको एक ही जगह, एक ही प्लेलिस्ट में राजस्थान की पूरी ज्योग्राफी मिल जाएगी। दोस्तों, आप आराम से पढ़िए और राजस्थान का ज्योग्राफी क्वेश्चन आपसे फिर कभी छूटने वाला नहीं है। फ्रेंड्स, ये मेरा पार्ट 9 है। इसमें हम आपको राजस्थान के जो खनिज हैं, जो मिनरल रिसोर्सेज हैं, उसके बारे में पढ़ाएंगे। और इसके बाद मेरा एक छोटा सा टॉपिक आएगा इंडस्ट्रीज़ के बारे में, कि इन मिनरल से संबंधित जो राजस्थान में जो इंडस्ट्रीज़ हैं उसको भी आपको हम बता देंगे। तो दोस्तों, इस टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे राजस्थान के खनिज। तो फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट करते हुए चलते हैं राजस्थान के खनिज के संसाधन के बारे में डिस्कस करते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको पता ही है कि ये सब टॉपिक्स को हम कवर करना है। इसमें राजस्थान का परिचय हमारा हो गया है, भौतिक विशेषताएं हो गया है, नदियां हो गया है, प्राकृतिक संसाधन हो गया है। दोस्तों, वनस्पति मिट्टी हमने पढ़ा चुके हैं, आपको हमने वन जीव और बायोडाइवर्सिटी पढ़ा दिया है। ठीक है, प्रमुख सिंचाई जो परियोजनाएँ हैं ये राजस्थान की नदियों में ही कवर कर दिया गया है। और अब हम पढ़ रहे हैं राजस्थान के खान और खनिज, और राजस्थान में जो दोस्तों टूरिज़्म है, पर्यटन है, वो भी हमारा कम्प्लीट हो चुका है। तो राजस्थान के खान और खनिज के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। फ्रेंड्स, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जान लेते हैं। देश में खनिजों की उपलब्धता और विविधता के मामले में राजस्थान सबसे समृद्ध राज्य है। मतलब दोस्तों, यहाँ पर हमारे राजस्थान में मिनरल्स काफ़ी मात्रा में पाए जाते हैं और अलग अलग टाइप के जो है मिनरल्स पाए जाते हैं। और कुछ तो ऐसे मिनरल्स हैं जो कि राजस्थान जिसमें अग्रणी है और केवल सोल प्रोड्यूसर है, मतलब राजस्थान ही उसका उत्पादक करता है। राजस्थान देश में खनिजों की उपलब्धता और विविधता के मामले में सबसे समृद्ध राज्य है और लगभग 57 विभिन्न खनिजों का उत्पादन करता है। ओके फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, खनन न केवल राज्य के ग्रामीण और जनजातीय क्षेत्रों में रोजगार का एक प्रमुख स्रोत है, बल्कि यह राज्य के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए सरकार को राजस्व का एक प्रमुख स्रोत भी है। दोस्तों, तो क्या है कि इससे हमें रोजगार तो मिलता ही है और जो सरकार है उसको रेवेन्यू भी इससे काफ़ी मिलता है। ओके फ्रेंड्स, जो कि देश के डेवलपमेंट में काम आता है। आज राजस्थान को खनिजों का एक संग्रहालय माना जाता है, जिसमें धातु और गैर धातु दोनों शामिल हैं, जिनमें प्रसिद्ध इमारत पत्थर भी शामिल हैं। देश में खनिज उत्पादन के कुल मूल्य में राजस्थान का योग 12% है। मतलब अगर देश में पूरा 100% अगर उत्पादन होता है खनिजों का, तो उसमें 12% केवल और केवल राजस्थान से ही आता है। दोस्तों, कुछ सरकारी इंपॉर्टेंट तथ्य है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि सरकारी तथ्य है, सरकारी बुकलेट्स में आता है, तो इनसे संबंधित जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा वो ध्यान रखिएगा। राजस्थान सीसा और जस्ता अयस्कों, सेलेनाइट और वोलास्टोनाइट का एकमात्र उत्पादक है। दोस्तों, लगभग 90 से लेकर 100% के बीच में दोस्तों राजस्थान इसका उत्पादन करता है। और जो सरकार की जो पेपर है, सरकार के जो इकोनॉमिक रिव्यू है, इसके अकॉर्डिंग राजस्थान जो है सीसा, जस्ता अयस्क, सेलेनाइट और वोलास्टोनाइट का एकमात्र उत्पादक है। तो क्वेश्चन मान लो आए तो ध्यान रखिएगा, देश में चांदी, कैल्साइट और जिप्सम का लगभग पूरा उत्पादन राजस्थान करता है। लगभग मतलब कि 90% से ऊपर जो है उत्पादन जो है राजस्थान करता है। राजस्थान भी देश में बॉल मिट्टी, फॉस्फोराइड, गेरू, स्टेलाइट, फेल्सपार और फायर क्ले के प्रमुख उत्पादों में से एक है। तो कुछ इंपॉर्टेंट दोस्तों ये मिनरल्स है जो कि राजस्थान में भी इंपॉर्टेंट है। राज्य भारत में सीमेंट ग्रेड और स्टील ग्रेड चूना पत्थर के अग्रणी उत्पादकों में से एक है। तो फ्रेंड्स, ये चार कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो कि गवर्नमेंट डेटा से लिए गए हैं। तो इस पर काफ़ी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि राजस्थान इनमें से किसका एकमात्र उत्पादक है। तो इसमें ऑप्शन में सीसा, जैस लिखा हुआ, सेलेनाइट, वोलास्टोनाइट, तो इनका जो है एकमात्र उत्पादक एज पर गवर्नमेंट साइड माना गया है। फ्रेंड्स, राजस्थान में जो मिनरल्स पाए जाते हैं उसमें कई होते हैं। एक होता है मेटेलिक, जिसे बोलते हैं जिसमें मेटल होता है, एक होता है नॉन मेटेलिक, ओके फ्रेंड्स, और एक होता है स्टोन्स। ये सब मिनरल्स पाए जाते हैं। दोस्तों, इसमें कुछ पेट्रोलियम और कोल भी होता है, तो वो हम सेकंड पार्ट में थोड़ा सा रहेगा, बचा रहेगा, उसको हम डिस्कस कर लेंगे।
तो जो मेटलिक मिनरल्स दोस्तों राजस्थान में पाए जाते हैं उसमें है इम्पोर्टेंट कॉपर, गोल्ड, आयरन, लेड, जिंक, सिल्वर, टंगस्टन और मैगनीज, ये जो है पाए जाते हैं। नॉन मेटलिक में जो पाए जाते हैं उसमें है बेराइट्स, कैल्साइट, क्ले, डोलोमाइट, फेल्डस्पार, इमिरल्ड, फ्लोराइट, गार्नेट, जिप्सम, लिग्नाइट जो कि ये बेसिकली कोयला होता है जिससे बिजली बनती है, लाइमस्टोन, पोटैश, रॉक फास्फेट, एस्बेस्टॉस, सिलिशियस अर्थ, सोप स्टोन और वोलेस्टोनाइट, ये दोस्तों राजस्थान में नॉन मेटलिक मिनरल्स है। पत्थरों में दोस्तों मार्बल, ग्रेनाइट, स्लेट और सैंडस्टोन यहाँ पे पाया जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों एक एक करके, शुरुआत करते हैं मेटलिक मिनरल से, तांबा कॉपर में। राज्य में तांबे के भंडार जो है कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, झुंझुनू, सीकर, सिरोही, उदयपुर, भीलवाड़ा, अजमेर, अलवर, भरतपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद और डूंगरपुर जिलों में स्थित है। ओके फ्रेंड्स, तो तांबे के जो भंडार हैं रिजर्व जो है वो यहाँ स्थित हैं। 809.09 मिलियन टन के संसाधनों के साथ राज्य के पास देश के कुल संसाधनों का 54% हिस्सा है। मतलब कॉपर का रिजर्व की बात की जाए तो 54% कॉपर जो है राजस्थान में पाया जाता है। राज्य तांबे का दूसरा प्रमुख उत्पादक है जो देश के उत्पादन में 41% योगदान देता है। तो फ्रेंड्स, जो हमारे पास रिजर्व है तांबे का वो 54% है, और अगर प्रोडक्शन की बात की जाए तो राजस्थान जो है तांबे का दूसरा उत्पादक माना जाता है, मतलब है, और जो कि देश का 41% जो उत्पादन करता है वो राजस्थान करता है। ये है रिजर्व जो भंडार है और ये है उत्पादन। झुंझुनू राजस्थान में तांबे का सबसे बड़ा हिस्सा पैदा करता है। तो ये दोस्तों ध्यान रखिएगा कि ये इंपॉर्टेंट है कि जैसे जितने भी डिस्ट्रिक्ट होंगे जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट मिनरल्स जैसे कॉपर है, आयरन है वगैरह, तो वो कहाँ सबसे ज़्यादा किस डिस्ट्रिक्ट में प्रोड्यूस होता है। तो जैसे कॉपर जो है वो कौन सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करता है, झुंझुनू, झुंझुनू में सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस होता है। कॉपर के दोस्तों जो प्रमुख भंडार हैं जैसे कि मदन कुदन जो झुंझुनू में है, करमरी ये भी झुंझुनू में है, सतकुई ये भी झुंझुनू में है, कोलीहन सेंट्रल ब्लॉक ये भी झुंझुनू में है, बसंतगढ़ ये दोस्तों सिरोही में है, देवपुर बनेरा ब्लॉक ये भीलवाड़ा में है, है ना, भगवानी खो दरीबा ये इम्पोर्टेंट है अलवर में है, अंजनी बेदावल की पाल दोस्तों ये उदयपुर में है। तो दोस्तों ये कुछ इम्पोर्टेंट जो है वो क्षेत्र थे जहाँ पे कॉपर पाया जाता है। अब बात करते हैं सोना की, गोल्ड की। राज्य में कुल 118.88 मिलियन टन तो सोने के ऐसक राजस्थान का अनुमान है। ओके फ्रेंड्स, इतना माना जाता है कि रिजर्व है। इसमें भुकिया, जगपुरा, दिलवाड़ा बेल्ट जो कि बांसवाड़ा में है उस के 105.81 मिलियन टन संसाधन शामिल हैं। तो सबसे ज़्यादा दोस्तों जो राजस्थान में जो गोल्ड है वो बेसिकली इस बेल्ट में पाया जाता है भांसवाड़ा में दोस्तों जो है भुकिया जगपुरा बेल्ट है, यहीं पे लगभग 105.81 मिलियन टन संसाधन जो है गोल्ड के राजस्थान में पाए जाते हैं। खेतड़ी कॉपर बेल्ट जो कि झुंझुनू में है दोस्तों, के उत्पादक के रूप में भी सोना निकाला जाता है। बेसिकली यहाँ से कॉपर मिलता है और जो है गोल्ड भी मिलता है, लेकिन सबसे ज़्यादा भुकिया जगपुरा देवलाड़ा बेल्ट है जो कि बांसवाड़ा में, वहाँ से मिलता है। निम्नलिखित क्षेत्रों में कॉपर के साथ सोना भी साबित हुआ, जैसे कि दौसा जिले के धानी बसरी क्षेत्र, अलवर जिले के खेरा मुड़ियावास क्षेत्र और सीकर जिले के डोकान क्षेत्र, इन क्षेत्र में दोस्तों कॉपर के साथ साथ सोना भी पाया गया है। लेकिन सबसे बड़ी बेल्ट है वो है बांसवाड़ा में। क्वेश्चन पूछा जाए सबसे ज़्यादा रिजर्व कहाँ है, तो बांसवाड़ा में है जो कि भूकिया जगपुरा देलवाड़ा बेल्ट है। अब बात करते हैं दोस्तों आयरन लोहा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आयरन और जो है जो राजस्थान में वो कहाँ कहाँ है डिपॉजिट पाए गए हैं, जयपुर, उदयपुर, झुंझुनू, सीकर, भीलवाड़ा, अलवर, भरतपुर, दौसा, बांसवाड़ा जिले में पाए जाते हैं। दोस्तों ये जब मैं ज्योग्राफी की शुरुआत किया था तो मैंने इन डिस्ट्रिक्ट को अच्छी तरह से आपको बताया था कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट कहाँ पर है। तो ये आपको अपने मैप हमेशा सामने रखिए और देखते रहिए कि किस किस एरिया में डिस्ट्रिक्ट को मैप में, ताकि आपको याद हो जाए कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट राजस्थान के मैप के किस जगह पर स्थित है। राज्य में जो लौह अयस्क हैं वो जैसे ओर हैं उसमें हेमेटाइट और मैग्नेटाइट के लगभग 2621 मिलियन टन संसाधनों का अनुमान है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो अयस्क हैं वो हेमेटाइट और मैग्नेटाइट लगभग हैं, और इनका जो अनुमान माना गया है जो रिजर्व है वो 2621 मिलियन टन संसाधन है। लौह उत्पादक के जो मुख्य क्षेत्र हैं उसमें है मोरिजा नीमला जो कि जयपुर क्षेत्र में आता है, लाल सोट जो एरिया है दौसा में है, टोंडा झुंझुनू में है, डाबला नीम का थाना, नीम का थाना तहसील जो है सीकर में, यहाँ भी लोहा पाया जाता है, पुर बनेरा ये भीलवाड़ा में है,
नथारा की पाल दोस्तों ये उदयपुर में है, मोहनपुरा इंद्रगढ़ तहसील ये बूंदी में है, डडरौली तहसील, लीलोटी तहसील, टोडूपुरा तहसील और खोरा तहसील दोस्तों ये करौली में है, और सीकर के खोरा तहसील में लौह अयस्कों का सबसे बड़ा भंडार है। सीकर के खोरा तहसील में लौह अयस्कों का सबसे बड़ा भंडार है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। तो इन सब भंडारों में ये सब भंडार हैं, इसमें इसमें सबसे बड़ा जो भंडार है सीकर के खोरा तहसील में लौह अयस्क का सबसे बड़ा भंडार है। अब बात करते हैं दोस्तों सीसा, जस्ता और चांदी, जिसमें राजस्थान काफ़ी आगे है। तो राजस्थान में लगभग 629.92 मिलियन टन के संसाधन वाले सबसे बड़े सीसा जस्ता अयस्क भंडार से संपन्न है। सबसे ज़्यादा जो है भंडार जो है राजस्थान में ही है, राजस्थान उत्पादन भी करता है इसका। ओके फ्रेंड्स, सीसा और जो राजस्थान जो उत्पादन करता है उसमें सीसा जो और जस्ता, ओके फ्रेंड्स, तो वो जो है लगभग 89% है और जो रजत है वो लगभग 88% है। तो लेड जिंक लगभग 89% प्रोडक्शन करता है और 88% लगभग जो है चांदी का प्रोडक्शन राजस्थान करता है। तो लगभग लगभग पूरा जो है यही करता है, राजस्थान ही करता है। राज्य में सीसा जस्ता चांदी के महत्वपूर्ण भंडार जो स्थित हैं वो ये हैं। देखिए दोस्तों, जो महत्वपूर्ण भंडार है वो कहाँ कहाँ हैं, जवर जो है उदयपुर में है, राजपुरा, दरीबा, बेथूमी राजसमंद में है, सिंदेसार, कलन, सिंदेसार, खुर्द राजसमंद में है, रामपुरा, अगूचा और पुरबनेरा ये भिलवाड़ा में है, देहरी दोस्तों ये सिरोही में है, और कायर, घुघरा और सवर ये दोस्तों अजमेर में है। ये जो है यहाँ के कुछ क्षेत्र हैं जहाँ पर सीसा जस्ता और चांदी पाया जाता है। अब फ्रेंड्स बात करते हैं मैग्नीज की। राजस्थान में मैग्नीज जमा जो है जो भंडार है मुख्य रूप से बांसवाड़ा ज़िले में होता है। कहाँ पे होता है, बांसवाड़ा ज़िले में होता है, जहाँ यह 22 किलोमीटर की दूरी पर गुरौरिया से रथपुरा तक फैले एक बेल्ट तक सीमित है। तो फ्रेंड्स ये ध्यान रखिएगा कि बांसवाड़ा में जो गुरौरिया से लेके रथीमुरा एक बेल्ट है, उसी बेल्ट में लगभग 22 किलोमीटर लंबी बेल्ट है, उसमें मैग्नीज के मुख्य जो है भंडार पाए गए हैं। मैग्नीज के जो मुख्य भंडार हैं वो सिवानिया, कालांगखुटा, घाटिया, लिलवानी, इटला और तमशेरा और खेरिया में स्थित है। ये बेल्ट है गुरारिया से लेके रथीमुरी तक बेल्ट है, और उस बेल्ट में जो छोटे छोटे एरिया आते हैं जैसे सिवानिया, कालांगखुटा, घाटिया, लिलवानी, इटला, तमशेरा और खोरिया, इन जगह जो है मैग्नीज पाया जाता है, जो कि कहाँ पर है, बांसवाड़ा में है। उपरोक्त सभी कहाँ पर हैं, ये बांसवाड़ा ज़िले में स्थित है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। ओके फ्रेंड्स, ये हो गया आपका आयरन, ठीक है। यहाँ देखिए राज्य में मैग्नीज के लगभग कितने संसाधन हैं, 5.78 मिलियन टन संसाधन जो है अनुमान लगाया गया है। अब बात करें दोस्तों टंगस्टन की। टंगस्टन जो है रणनीतिक महत्व का एक धातु है, इंपॉर्टेंट धातु है। टंगस्टन का जो मुख्य स्रोत है वो वुल्फ्रेमाइट है, जिसका ओर है बेसिकली आयरन, मैग्नीज और WO4 और इसकी लाइट, ये इसके प्रमुख स्रोत हैं। जहाँ ये पाया जाता है वहीं से टंगस्टन निकाला जाता है। राज्य में टंगस्टन इसका लगभग 23.92 मिलियन टन संसाधन है, जो कुल देश के संसाधनों का लगभग 27% है। तो दोस्तों यहाँ पे हमारे यहाँ लगभग जो देश का 27% संसाधन है टंगस्टन का, वो हमारे यहाँ पाया जाता है। टंगस्टन के जो प्रमुख भंडार दोस्तों हैं उसमें डेगाना जिला जो नागौर में है, डेगाना जो है जो कि नागौर ज़िले में है, और बल्दा और उड़वरिया ये दोस्तों सिरोही में है, यहाँ पर जो है टंगस्टन के भंडार पाए गए हैं। अब दोस्तों बात करते हैं, ये हो गया हमारे इंपॉर्टेंट मेटलिक मिनरल्स और कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट जो है एरियाज हैं जहाँ पे पाए जाते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों नॉन मेटलिक मिनरल्स की। इसमें शुरुआत करते हैं दोस्तों बैराइट से। राज्य में 2.99 मिलियन टन संसाधनों का आकलन किया गया है बैराइट्स का। राजस्थान कैल्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक है। राजस्थान जो है दोस्तों कैल्साइट नहीं सॉरी बैराइट्स होगा, इसको बैराइट्स कर लीजिएगा। राजस्थान बैराइट्स का सबसे बड़ा उत्पादक है, जिसके बाद कौन है, आंध्र प्रदेश है। यह बेरियम सल्फेट से युक्त एक खनिज है। किससे युक्त है, बेरियम सल्फेट से युक्त एक खनिज है, इनसे मिलकर बना हुआ है। उदयपुर और अलवर ज़िले में बैराइट के महत्वपूर्ण भंडार पाए गए हैं। कहाँ पाए गए हैं, उदयपुर और अलवर ज़िले में। उदयपुर में यह कहाँ पाया जाता है, उदयपुर में एक ग्राम है, गाँव है जिसका नाम है रिलपतिया, वहाँ पाया जाता है। और अलवर में दोस्तों कहाँ कहाँ पाया जाता है, वो है सैनीपुरी, जहीर का केरा, राम सिंहपुरा, भांगेरा, करौली, करौली, जमरौली, उमेन, गिरारा, धोलरा, ये जो है अलवर में कुछ क्षेत्र हैं जहाँ पे बैराइट्स पाया जाता है।
राजसमंद में दोस्तों, राजसमंद में भी पाया जाता है लेकिन मुख्य रूप से उदयपुर अलवर में पाया जाता है। राजसमंद में भी एक जगह पाया जाता है, इसका नाम है डेलवारा किसूली नाथद्वारा बेल्टे, जो है यहाँ पे बेराइट्स पाया जाता है। ओके फ्रेंड्स, ये ध्यान रखिएगा, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं इसको दोस्तों। आपको जब आप इसको याद करने की कोशिश मतलब करिएगा, लेकिन इसको जब आप बार बार पढ़ेंगे ना तो ऑटोमेटिक ये आपको चीज़ें कवर हो जाएगी। जब ऑब्जेक्टिव में सामने आपके आएगा तो आप क्लियर हो जाएगा कि ये हाँ ये यही है, लेकिन इसको आपको थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि मिनरल्स में काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी लंबा चैप्टर भी है। राजमेकुल कैल्साइट की बात करें तो राजमेकुल 10.39 मिलियन टन कैल्साइट संसाधन चुका अनुमान लगाया गया है। राजस्थान भारत में सबसे बड़े मात्रा में कैल्साइट का उत्पादन करता है, लगभग 96% जो है कैल्साइट जो है वो राजस्थान करता है। कैल्साइट के संसाधन लगभग राजस्थान में 50% है, लेकिन उत्पादन में 96% है राजस्थान। माधपुर जो दोस्तों स्थान है उसमें सिरोही जिले के खिला के पास बिलका पहर है दोस्तों, ये कुछ एरिया है जहाँ पे कैल्साइट पाया जाता है। उदयपुर जिले के दोस्तों ठिनकली गैफाल और रपचा है, और सीकर जिले में मांडा और रायपुर है, ये इन कुछ एरिया हैं जहाँ पे कैल्साइट पाया जाता है। ओके फ्रेंड्स, ये ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं चिकनी मिट्टी से क्ले बोलते हैं, बॉल क्ले, फायर क्ले और चाइना क्ले राज्य में अपने ज्ञात संसाधन हैं। मतलब बॉल क्ले भी पाया जाता है, फायर क्ले भी पाया जाता है और चाइना क्ले भी पाया जाता है। बॉल क्ले का जो लगभग रिजर्व है वो 31.81 मिलियन टन है, और सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन भी राजस्थान करता है, लगभग 92% प्रोडक्शन जो है राजस्थान करता है बॉल क्ले का। उसके बाद चाइना क्ले का जो जो वो है रिजर्व है वो 432.51 मिलियन टन है। इसमें सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन जो चाइना क्ले करता है दोस्तों वो गुजरात करता है, उसके बाद राजस्थान करता है। और जो फायर क्ले का जो रिजर्व है वो हमारे यहाँ वो 66.42 मिलियन टन है। ओके फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं डोलोमाइट की, राज्य में डोलोमाइट के कुल 599.40 मिलियन टन संसाधनों का अनुमान लगाया गया है। जो प्रमुख जो है डोलोमाइट स्थान है जहाँ पे पाया जाता है डोलोमाइट वो है बाजला काबरा, यहाँ पे 13 मिलियन टन पाया जाता है डोलोमाइट, जो कि अजमेर में है। कोशी थल, ये दोस्तों यहाँ पे 28 मिलियन टन डोलोमाइट पाया गया है, जो कि भीलवाड़ा में है। चित्तौड़िया, गोरला, चंदा खेरी दोस्तों ये कुछ बेल्ट है जहाँ पे 45 मिलियन टन डोलोमाइट पाया गया, जो कि चित्तौड़ में है। और कोटपुतली, मनवा, रामगढ़, भैंसलाना दोस्तों यहाँ पे 31 मिलियन टन जो है डोलोमाइट पाया गया है, जो कि लगभग जयपुर में है। ओके फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। अब दोस्तों बात करते हैं फेल्डस्पर की, जिसे इस्फतीय भी कहते हैं। राज्य देश में फेल्डस्पर का प्रमुख उत्पादन है, जिसके पास लगभग 87.94 मिलियन टन संसाधन है दोस्तों। फेल्डस्पर के कुल जो संसाधन है दोस्तों वो 66% है, परसेंटेज की बात करें मतलब देश का 66% संसाधन जो है फेल्डस्पर का वो राजस्थान में ही पाया जाता है। अजमेर जिला राज्य में फेल्डस्पर का प्रमुख उत्पादन है, कौन है, अजमेर जिला। फेल्डस्पर के जो अन्य प्रमुख उत्पादक हैं वो है भीलवाड़ा, राजसमंद, पाली, टोंक, सीकर और सीकर जिले हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो है वो अजमेर है। लघु उत्पाद जैसे छोटे उत्पाद कहाँ पाए थे, डूंगरपुर, सिरोही, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और जयपुर में है। मतलब सबसे ज़्यादा अजमेर में है, उसके बाद के जो प्रमुख हैं वो भीलवाड़ा, राजसमंद, पाली, टोंक और सीकर जिले हैं। और छोटा कुछ थोड़ा बहुत पाया जाता है इन जगह डूंगरपुर, सिरोही, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, जयपुर में भी थोड़ा बहुत पाया जाता है। ओके फ्रेंड्स, अब आ करते हैं पन्ना ये इमरल्ड की। पन्ना जो है, जो पन्ना का जो दोस्तों जो रिजर्व है जमा मतलब रिजर्व जो है वो 221 किलोमीटर में फैला गया है, ध्यान रखिएगा। राजसमंद जिले के गांव गुरुहा में अजमेर जिले के बुबानी और मुहामी तक लंबी बेल्ट है। तो दोस्तों ये जो बेल्ट है वो राजस्थान राजसमंद जिले का एक गुरुहा गाँव है, वहाँ से लेकर अजमेर जिले का एक है बुबानी और मुहामी तक ये अजमेर में है और ये है राजसमंद में। इसके बीच में जो बेल्ट है उसमें पूरा इमरल्ड पाया जाता है। महत्वपूर्ण जो इलाके हैं वो है राजगढ़, टिकी और कलगुना, जो कि राजसमंद में ही स्थित है। ओके फ्रेंड्स, ये है इमरल्ड की पोजीशन। अब बात करते हैं फ्लोराइड की। राजस्थान में लगभग 29% संसाधन जो है फ्लोराइड के हैं। राज्य में फ्लोराइड का महत्वपूर्ण भंडार है। डूंगरपुर जिले में मंडो की पाल और कहिला ये जो एरिया है ये फ्लोराइड के लिए मशहूर है। जालौर जिले में कराका है एरिया फ्लोराइड के लिए मशहूर है। और सीकर जिले में चौखड़ी, चपोली ये भी जो एरिया है ये फ्लोराइड के लिए मशहूर है। ओके फ्रेंड्स, अब दोस्तों बात करते हैं गार्नेट, जो कि बहुत अच्छा पत्थर होता है, लाल लाल खूबसूरत लगता है, जो कि लोग अपने एक अंगूठी में यूज़ करते हैं पत्थर को। गार्नेट भंडार जो है कहाँ कहाँ पाया गया है, ये उदयपुर, अजमेर, भीलवाड़ा, राजसमंद और टोंक जिले में ये गार्नेट खनिज पाया गया है। सबसे महत्वपूर्ण जो मड़ी किस्म टोंक जिले में कल्याणपुर से राजमहल तक चलने वाली 11 किलोमीटर बेल्ट में पाई जाती है। तो
सबसे जो इम्पोर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण जो मड़ी किस्म है वो टोंक जिले में कल्याणपुर से लेके राजमहल की जो बेल्ट है उसमें गार्नेट का सबसे इम्पोर्टेंट जो है पाया जाता है। ओके फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। तो राजस्थान में दोस्तों बहुत खनिज है। ओके फ्रेंड्स, अब बात करते हैं जिप्सम की। राजस्थान में देश में जिप्सम के 82% संसाधन हैं, जिनके कुल संसाधन 1,555.55 मिलियन टन हैं। तो अगर देश की बात की जाए तो राजस्थान में ही लगभग जिप्सम जो होता है उसका 82% जो हिस्सा है वो राजस्थान में ही है। कुल उत्पादन में 99% का योगदान करते हुए राज्य अग्रणी उत्पादन बना हुआ है। मतलब कि जिप्सम में, जिप्सम का जो राजस्थानी 99% उत्पादन करता है, मतलब अगर आप ये कह सकते हैं कि लगभग पूरा उत्पादन जो है जिप्सम का राजस्थानी करता है। सेलेनाइट जो होता है का पूरा उत्पादन राजस्थान राज्य में होता है। इसमें सेलेनाइट भी होता है, जिप्सम में सेलेनाइट भी होता है, जो कि जिप्सम का क्रिस्टलीय रूप होता है। जिप्सम एक पाउडर की तरह होता है और जब वो क्रिस्टल के रूप में होता है तो वो सेलेनाइट बनता है। तो सेलेनाइट का तो पूरा उत्पादन राजस्थानी करता है। सेलेनाइट जो होता है जिप्सम का क्रिस्टलीय रूप है। जिप्सम जो है कहाँ कहाँ पाया जाता है, ये बीकानेर, नागौर, बाड़मेर, हनुमानगढ़, जैसलमेर, श्रीगंगानगर, जालौर जिले में ये जो है जिप्सम पाया जाता है। दोस्तों ये देखिए, ये जिप्सम पाउडर ऐसा है और ये जो है इसका क्रिस्टलीय रूप जो है वो सेलेनाइट है। अब दोस्तों बात करते हैं लिग्नाइट की। यह बाड़मेर, सचौर, जैसलमेर और नागौर बेसिन में होता है, जो बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, नागौर और जालौर जिलों में पड़ता है। ओके फ्रेंड्स, ये ध्यान रखिए, बाड़मेर, जैसलमेर, नागौर जो है एरिया बेसिन जो है, इस बेसिन में जो ज़िले आते हैं वो हैं बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, नागौर और जालौर। इन एरिया में लिग्नाइट जो है पाया जाता है। लिग्नाइट बेसिकली कोयला होता है। बिजली संयंत्रों के लिए विभिन्न स्थानों पर लिग्नाइट का खनन किया जाता है। जैसे कि देखो, बाड़मेर में है गिरल स्थान, बाड़मेर में एक और एरिया है कपूरोड़ी जलीपा स्थान, बीकानेर में दोस्तों है पलाना, बड़सिंगसर और नागौर जिले में है माता सुख कसनू डुगियार, यहाँ पे दोस्तों लिग्नाइट पाया जाता है। ये देखिए दोस्तों, ये कोयला है जिससे बिजली बनती है। अब दोस्तों बात करते हैं लाइमस्टोन, जिसे कहते हैं चूना पत्थर। राज्य में सभी ग्रेड के लगभग 21,660 मिलियन टन जो है लाइमस्टोन पाया जाता है। ओके फ्रेंड्स, SMS ग्रेड लाइमस्टोन मुख्य रूप से जैसलमेर जिले के सैम, खुड़ियाला, सानू, खिनिया, रिंसा, मंधा, लिंस्टनटॉन बेल्ट तक सीमित है। तो बेसिकली जैसलमेर जिले में ही एक बेल्ट है जहां पे इस एक फला ग्रेड का लाइमस्टोन पाया जाता है। राज्य के 33 जिलों में से 25 जिलों में सीमेंट ग्रेड चूना पत्थर पाया जाता है। ओके फ्रेंड्स, राजस्थान में 33 जिले हैं, उसमें लगभग 25 जिलों में सीमेंट ग्रेड का चूना पत्थर पाया जाता है। जो सीमेंट ग्रेड चूना पत्थर है उसके जो महत्वपूर्ण ज़िले हैं वह हैं चित्तौड़गढ़, नागौर, जैसलमेर, पाली, झुंझुनू, सिरोही, अजमेर, बांसवाड़ा और उदयपुर। यहाँ पे सीमेंट ग्रेड का जो है चूना पत्थर पाया जाता है। राजस्थान भारत में शीर्ष उत्पादक सीमेंट में से एक है। ओके फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, शीर्ष उत्पादक सीमेंट में से एक है ये है चूना पत्थर। अब दोस्तों बात करते हैं रॉक फॉस्फेट की। राजस्थान में 98.64 मिलियन टन रॉक फॉस्फेट संसाधन का अनुमान लगाया गया है। रॉक फॉस्फेट जो भंडार है मुख्य रूप से उदयपुर जिले के झामर कोतरा, मटून, कानपुर, ढोलगी पाटी, डाकन कोतरा और खरबियोन का गुरा में स्थित है। बेसिकली उदयपुर में है ये कुछ एरियाज हैं जहाँ पर रॉक फॉस्फेट पाया जाता है। झामर कोटा रॉक फॉस्फेट भंडार देश में सबसे बड़ा भंडार है। तो झामर कोतरा जो है, जो कि उदयपुर में है, सबसे बड़ा भंडार जो है रॉक फॉस्फेट का है। दोस्तों ये जब आप इसको बार बार पढ़ेंगे ना तो ये चीज़ें आप ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएंगी, ये रॉक फॉस्फेट। अब दोस्तों बात करते हैं वोलेस्टोनाइट की। वोलेस्टोनाइट का भंडार निम्नलिखित स्थानों पर पाया जाता है, जैसे पाली में गाँव खेला और खेर उपरला, सिरोही और उदयपुर जिले में दोस्तों पाया जाता है। और राजस्थान वोलेस्टोनाइट का एकमात्र उत्पादक है। ओके फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अब दोस्तों बात करते हैं एस्बेस्टॉस की। किसकी? एस्बेस्टॉस की। राजस्थान भारत के पूरे एस्बेस्टॉस उत्पादन का लगभग 96% हिस्सा है। तो अगर पूरा जो एस्बेस्टॉस का उत्पादन होता है देश में तो उसमें राजस्थान लगभग 96% जो है उत्पादन राजस्थान करता है। एस्बेस्टॉस का मुख्य भंडार मुख्य रूप से राजस्थान राज्य के दक्षिण में स्थित है। तो राजस्थान राज्य का जो दक्षिण एरिया है वहाँ पे एस्बेस्टॉस का भंडार काफ़ी पाया जाता है। इसमें अरावली है, दिल्ली के सूप गुरु और भिलवाड़ा के चट्टानों तक सीमित है। ओके फ्रेंड्स, ये ध्यान रखिएगा, एस्बेस्टॉस, ये है एस्बेस्टॉस। अब उस बात करते हैं फुलर्स अर्थ, जैसे बोलते हैं मुल्तानी मिट्टी। राजस्थान में मुल्तानी मिट्टी का लगभग 74% का भंडार है।
भंडार निम्नलिखित स्थानों पर स्थित है, एक है बाड़मेर में है कपूरी और अलमसरिया, बीकानेर में दोस्तों है पलाना, केसर दासर और मरह, और जैसलमेर में है मंडा और मंडाई। इन एरिया में मुल्तानी मिट्टी पाई जाती है। अब दोस्तों बात करते हैं संगमरमर या मार्बल। राजस्थान गुणवत्ता और मात्रा दोनों में संगमरमर के भंडार के मामले में देश का सबसे अमीर राज्य है। राज्य देश में संगमरमर प्रोसेसिंग का सबसे प्रमुख क्षेत्र है, जो कुल प्रोसेसिंग इकाइयों का लगभग 95% हिस्सा है। दोस्तों यहाँ पर मार्बल का प्रोसेसिंग बहुत होती है, मतलब उसकी कटाई छुड़ाई सब जो है यहाँ पर काफ़ी काम होते हैं उसके। राजस्थान सबसे भाग्यशाली राज्य है जहाँ सभी 10 समूह संगमरमर के पाए जाते हैं। राजस्थान में दोस्तों कई संगमरमर के समूह होते हैं, सिर्फ सफ़ेद भी होता है, लाल भी होता है, अलग अलग रंग के होते हैं, पीले भी होते हैं, तो 10 समूह होते हैं। इन सारे टाइप जो है राजस्थान में पाए जाते हैं। राजस्थान में संगमरमर के जो महत्वपूर्ण स्थान है उसमें है उदयपुर, राजसमंद और चित्तौड़गढ़ क्षेत्र। इन एरिया में दोस्तों मार्बल काफ़ी मात्रा में पाया जाता है। दोस्तों मकराना में है, मकराना जो कि किशनगढ़ क्षेत्र में है, बेसिकली मकराना नागौर एरिया में आता है और किशनगढ़ जो है अजमेर में है। तो सॉरी मतलब मकराना किशनगढ़ क्षेत्र है, मतलब मकराना किशनगढ़ क्षेत्र है, यहाँ पे मार्बल काफ़ी पाया जाता है। मकराना पड़ता है नागौर एरिया में, किशनगढ़ पड़ता है अजमेर में, काफ़ी इंपॉर्टेंट है मकराना। और बेसिकली माना जाता है जो ताजमहल के लिए जो संगमरमर यूज़ हुआ था वो मकराना से ही लिया गया था। बांसवाड़ा डूंगरपुर क्षेत्र है, यहाँ भी मार्बल काफ़ी पाया जाता है। अंधी झीरी क्षेत्र है, अंधी पड़ता है जयपुर में, झीरी पड़ता है अलवर क्षेत्र, ये भी मार्बल यहाँ काफ़ी पाया जाता है। जैसलमेर क्षेत्र में तो पाया जाता है। और मकराना राजस्थान में संगमरमर का प्रमुख केंद्र है। ओके फ्रेंड्स, ये ध्यान रखिएगा। ओके फ्रेंड्स, आप आ करते हैं ग्रेनाइट की। राजस्थान राज्य में 23 जिलों में फैले ग्रेनाइट की विभिन्न किस्मों के बड़े भंडार से समृद्ध है। तो बेसिकली राजस्थान में जो ग्रेनाइट है वो 23 जिलों में पाया जाता है। राजस्थान में ग्रेनाइट के संसाधनों का 20% हिस्सा है, मतलब कि अगर देखा जाए तो देश में अगर देश का लगभग 20% हिस्सा का जो रिजर्व है ग्रेनाइट का वो राजस्थान में है। राजस्थान में जो उत्पादन मुख्य रूप से हैं वो जालौर, पाली, सिरोही, बाड़मेर, अजमेर, जैसलमेर, झुंझुनू और जोधपुर जिलों में फैला हुआ है ग्रेनाइट। ओके फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, ये है ग्रेनाइट। सैंड स्टोन जिसे बलुआ पत्थर भी कहते हैं। राजस्थान भारत का एक महत्वपूर्ण और सबसे बड़ा बलुआ पत्थर उत्पादक राज्य है। ओके फ्रेंड्स, सबसे बड़ा बलुआ पत्थर उत्पादक राज्य है किस कौन? राजस्थान। यह एक उत्कृष्ट इमारत पत्थर जिससे इमारत बनाई जाती है। राजस्थान बलुआ पत्थर मुख्य रूप से मुख्य विंध्यन और ट्रांस अरावली में पाया जाता है। लगभग 34,000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में विद्यमान है दोस्तों एरिया। ओके फ्रेंड्स, इसमें कौन कौन सा राज्य आता है? इसमें पूर्वी राजस्थान के लगभग धौलपुर, भरतपुर, करौली, सवाई माधेपुर, बूंदी, झलावाड़, कोटा, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, जैसलमेर और 12 जिले शामिल हैं जहाँ पे सैंड स्टोन पाया जाता है। यह पश्चिमी रेगिस्तान के जोधपुर, नागौर, बीकानेर जिले में बिखरे हुए रूप में पाया जाता है, मतलब यहाँ भी पाया जाता है लेकिन बिखरे हुए रूप में, लेकिन यहाँ पर काफ़ी पाया जाता है सैंड स्टोन। तो ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। थोड़ा बड़ा लेक्चर था लेकिन इसको आराम से पढ़िए, कई बार पढ़िए, आपको उम्मीद है कि ये आपको याद हो जाएगा। ओके फ्रेंड, और ये सब जरूर ध्यान रखिए कि राजस्थान किस में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। जैसे पूछा था कि जैसे सैंड स्टोन यहाँ पर काफ़ी पाया जाता है, बलुआ पत्थर यहाँ पर काफ़ी पाया जाता है, वुलस्टनलाइट का एकमात्र उत्पादक है, सीसा रस्ते यहाँ पर काफ़ी पाया जाता है, और मकराना क्षेत्र किसके लिए मशहूर है। तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आप रोज़ पढ़ेंगे ना तो उसको ये क्लियर हो जाएगा, आराम से पढ़ेंगे। और दोस्तों इसका सेकंड पार्ट भी आएगा जिसमें हम आपको कोयले के बारे में बता देंगे, आपको थोड़ा पेट्रोलियम वगैरह कहाँ होता है, कौन कौन से कंपनी काम कर रही है उसमें, तो वो सब आपका हो जाएगा, तो आपका यह है खनिज कंप्लीट हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, ऐसे करते करते आपका ज्योग्राफी पूरा कंप्लीट करा देंगे। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।